आज हमारे साथ है उद्देश दाखले जी। ये नागपुर महाराष्ट्र से हमारे पास ट्रीटमेंट कराने के लिए सूरत आए थे। इनको पिछले 3 सालों से IBS-D की प्रॉब्लम थी, जो समस्या हो रही थी उन्होंने जो बताया था कि 3 से 4 बार इनको टॉयलेट करने के लिए जाना पड़ता था, अब इनको 1 बार जाना पड़ता है, कभी 2 बार भी जाना पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि ज़्यादातर 1 बार जाते हैं, कभी कभार 2 बार जाना पड़ता है, यानी कि वो समस्या इनकी हल हो गई है। दूसरा, खाने के बाद इनका पेट भारी होता था, पूरे दिन इनका पेट भरा भरा लगता था, जो कि अब पूरी तरह से वो ठीक हो चुका है। इन्होंने बताया था कि गैस बहुत ज़्यादा बनती थी और अब बिल्कुल कम हो गई है, कभी कभार गैस निकलती है अभी भी। और इनको नले पड़े थे, यानी कि पेट इनका बहुत ज़्यादा टाइट था जब हमने चेक किया था। हालांकि अभी जब हमने चेक किया तो 40 दिन हो गए ट्रीटमेंट लेते हुए, इनके नले 100% क्योर नहीं है अभी भी। उसके लिए हमने इनको बताया है कि ये ट्रीटमेंट इनको सिखाया भी गया है कि भाई आप अगर समय पूरा नहीं दे सकते हैं तो आप घर पे जाके आप किसी दूसरे से करवाइए। उसके लिए हमने इनको ट्रीटमेंट भी सिखाया है कि ये ट्रीटमेंट आपको लेना है। ठीक है, तो उसके लिए अब देखिए, किसी के पास समय नहीं है, 40 दिन इन्होंने हमें समय दिया, 40 दिन में हमने इनकी बहुत सारी समस्याएं लगभग 70-80% ठीक कर दिया है, लेकिन अभी भी इनको आगे ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा तो ही इनको पुरानी ज़िंदगी वापस मिलेगी। ठीक है, इन्होंने जो बताया था कि इन्होंने एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक तीनों जगह पर इन्होंने अपना इलाज कराया हुआ है। तो उद्देश भाई, आपको क्या क्या सिम्टम्स आते थे, क्या क्या लक्षण होते थे, क्या क्या दिक्कतें हुई आपके साथ और यहाँ पर ट्रीटमेंट कराने आए, और आपने कहाँ कहाँ पर इलाज कराया था, वो सारी चीज़ें आप डिटेल में बताइए लोगों को। शुरुआत में तो मुझे मेरा मतलब पेट साफ ही नहीं होता था, दिन में मतलब पता नहीं चला था क्या हो रहा है, दिन में करीब पहले तो 2-3 बार जाना पड़ता था दिन में, और धीरे धीरे वो दिक्कतें बढ़ती गई। दिक्कत इतनी बड़ी कि दिन में मेरे को कभी कभी 7 से 9 बार जाना पड़ता था टॉयलेट को। जैसे मैंने आयुर्वेदिक सबसे पहले अपना आयुर्वेदिक में दिखाया, उसके बाद कुछ रिलीफ नहीं हुआ, होम्योपैथी भी गया, उसमें कुछ आयुर्वेदिक में मेरे को रिलीफ मिला। आयुर्वेदिक ये रिलीफ मिला कि मेरे को कंटिन्यू से जाना 7 से 8 बार जाना पड़ता था, वो अभी सिर्फ सवेरे सवेरे जाना पड़ता था 3 से 4 बार। अच्छा, वो भी वो इधर आने के बाद वो भी दिक्कत थोड़ी हल हो गई है, ऐसा लग रहा है कि अभी 100% भी ठीक हो जाऊंगा कुछ दिन में। दूसरा जो आप बोल रहे थे कि नले पड़े थे, यानी कि अब नले तो अभी भी मैंने चेक किया है, हल्के फुलके हैं, ठीक है, पूरी तरह क्योर नहीं है, उसके लिए आपको ट्रीटमेंट अभी आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। दूसरा, आपने कहाँ कहाँ इलाज कराया है और क्या क्या चीज़ें आपके साथ होती थी? सर, मैंने एलोपैथी में दिखाया, होम्योपैथी में दिखाया और आयुर्वेदिक में दिखाया। करीब एलोपैथी में 6 से 8 महीने तक ट्रीटमेंट लिया था, उसमें हल तो गैस वगैरह कम हो जाता, जैसे ट्रीटमेंट छोड़ा वो फिर से वैसी दिक्कत बढ़ती जाती थी। फिर उसके बाद होम्योपैथी में कुछ भी रिलीफ नहीं हुआ, फिर आयुर्वेदिक में गया मैं, उसमें मेरे को रिलीफ मिला, ऐसा लगा 1-2 महीने में मैं पूरा ठीक हो जाऊंगा अभी। फिर दवाई चालू थी, फिर भी वो दिक्कत, फिर वो सिम्टम्स आते गए, फिर वो दिक्कतें बढ़ती गई। फिर ठीक है, तो अभी ट्रीटमेंट भी आप सीख गए हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि यहाँ पे आया इंसान ट्रीटमेंट कराने, और इतनी अच्छी चीज़, बड़ी चीज़ आदमी सीख के भी जा रहा है। तो ये अब ट्रीटमेंट भी लिए हैं, और ये घर पे इनको कोई समस्या होगा किसी को घर में, तो वो भी ये ठीक कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर हमने इनको थोड़ा गाइड किया कि इन्होंने जैसे अभी बताया कि मेरी मम्मी को भी ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है, तो हमने कुछ इनको फॉर्मूला बना के दिया। तो ये सारी चीज़ें देखिए, न्यूरोथेरेपी एक ऐसी चीज़ है कि इसमें कोई मेडिसिन नहीं है, कोई ज़्यादा काम झाम नहीं है कि भाई कोई इन्वेस्टमेंट खरीदना पड़ेगा, कोई मशीन लानी पड़ेगी घर पे तो ही ट्रीटमेंट होगा, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। सिर्फ आपको फॉर्मूला का उपयोग करके आपके बॉडी के ऊपर ही सारा प्रेशर दे के आपके बीमारी को ठीक किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, सरल है, और रिजल्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। पेट के मामले में न्यूरोथेरेपी बहुत अच्छा है, बस यही है कि कौन सा फॉर्मूला कब कैसे कहाँ लगाना, और ट्रीटमेंट कंडीशन के हिसाब से, सिम्टम के हिसाब से दिया जाए तो IBS 100% ठीक होता है। ठीक है, और कुछ आप बोलना चाहेंगे इसके बारे में?
कैसे हुआ, ये शुरुआत कैसे हुआ था आपको बताओ? शुरुआत सर खाली पेट वेट उठाने से भी हो सकता है, तो बहुत सारे ये है क्या बहुत सारे हो सकते हैं इसमें तकलीफ, जैसे डिप्रेशन हो सकता तो है। आप उठाते थे वजन? हाँ सर, वजन मतलब एक आध बार घर में जो बोरी वगैरह होता है हो सकता है वो उससे खाली पेट उठाने से हो सकता है, वो 50 kg की बोरी रहती है तो उससे भी स्टार्टिंग हो सकता है। अच्छा, आपने बाहर का भी बहुत ज्यादा खाना खाया? हाँ सर, बाहर का डेली खाता था, डेली खाते थे बाहर का, और बोल रहे हैं कि वजन भी उठाया, इन्होंने बोला कि गॉल ब्लैडर में स्टोन भी है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम ट्रीटमेंट इनको दे रहे थे, IBS के लिए भी दे रहे थे, यानी कि दोनों साथ साथ ही चलता है, सुबह का फॉर्मूला अलग दे रहे थे, शाम का अलग दे रहे थे, दोनों को कवर करते हैं। लेकिन यही है कि भाई अब इतने सालों की समस्या है, अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी जल्दी हल हो जाए तो होती नहीं है, क्योंकि ना एक दिन में आई है बीमारी, ना एक दिन में जाती है, धीरज रखेंगे, ट्रीटमेंट हमको इनको सिखा ही दिया है। क्योंकि देखिए सभी पेशेंट जो आते हैं सभी नहीं सीख सकते हैं, और सभी के अंदर सीखने की इच्छा भी नहीं होती। अब जिसके अंदर इच्छा शक्ति है, अब इन्होंने किया, हमारे यहाँ पे हमने दूसरे पेशेंट को इनके द्वारा ट्रीटमेंट भी करवाया है, ठीक है, तो इन्होंने ट्रीटमेंट भी दिया, ट्रीटमेंट भी लिया, तो पूरा कॉन्फिडेंस इनको आ गया कि हाँ अब हम 100% ठीक हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें